सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज कलाकार थे जिनके अभिनय की दुनिया दीवानी थी। वो सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल राजनेता भी रहे हैं। फिल्मों में उनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। बॉलीवुड में नरगिस से उनकी प्रेम कहानी और शादी के किस्से काफी ज्यादा मशहूर थे। आज मैं इस वीडियो में आपको उस किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे शायद ही लोगों ने सुना होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन के लिए रेडियो जॉकी के रूप में काम करते थे और फिर एक मौका आया जब अभिनेत्री नरगिस का उन्हें इंटरव्यू लेना था। उस दौर में नरगिस एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। जब इंटरव्यू का वक्त हुआ तो वो स्टूडियो पहुंच गई। ऐसा कहा जाता है कि नरगिस की स्टारडम से घबरा गए थे सुनील दत्त क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि सुनील दत्त नरगिस को काफी ज्यादा पसंद करते थे। फिर भी उन्होंने किसी तरह खुद को समझाते हुए नरगिस का इंटरव्यू लेना शुरू किया। वैसे तो सुनील दत्त जब बोलने पे आते थे तो उनकी बातें सुनकर लोग चुप हो जाते थे, लेकिन जब नरगिस बोलने लगी तो उनकी बातें सुनकर वो एकदम खामोश पड़ गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस वक्त नरगिस ने उन्हें समझाया कि घबराने जैसी कोई बात नहीं और वो आराम से उनसे सवाल पूछ सकते हैं। उस वक्त शायद नरगिस भी नहीं जानती थी कि एक दिन वो सुनील दत्त की पत्नी बन जाएगी। सुनील दत्त ने रेडियो का काम छोड़कर फिल्मों में कदम बढ़ाना शुरू किया। नरगिस से उनकी मुलाकात 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई थी। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। फिल्म के सेट पर ही आग का हादसा हुआ जिसमें सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस की जान बचाई थी। बोला जाता है कि इस फिल्म सेट से ही नरगिस और सुनील दत्त के प्यार की शुरुआत हुई थी और एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाए और नरगिस को प्रपोज कर दिया था और नरगिस ने उसे स्वीकार भी कर लिया और 1958 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। साल 1949 में दोनों ने अपनी शादी के बारे में औपचारिक तौर पर लोगों को बताया और एक रिसेप्शन भी किया था, लेकिन 3 मई 1981 को 58 साल की उम्र में नरगिस का कैंसर से निधन हो गया था। नरगिस इस दुनिया से जरूर गई, लेकिन सुनील दत्त के दिल और उनकी यादों में वो हमेशा बनी रही।